अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। तो भाई साहब आज लाए कमाल का मेन्यू, देसी बोल सकते हैं, बस ऐसे ही बोले। तो आज जो हम जलील हुए ना ये हम जानते हैं। तो भाई स्टार्ट करें तो भाई बताएं स्टेप बाय स्टेप, नाम इनके बता दें। तो भाई सबसे पहले हमने मक्खियों ने इतनी तंग किया हुआ है और स्प्रे भी किया है, खुले में स्प्रे काम नहीं करती, तो इस चीज़ को इग्नोर हम करना है। ये है चिकन हांडी, हरी मिर्च, बीफ पुलाव, चिकन हांडी और ये रखा हुआ है पीस जो बिल्कुल जला हुआ है आज ऊपर से ऐसे लग रहा है। हाँ। सही है, नहीं वैसे जला हुआ ज्यादा। रोगनी नान, हमारे रोगनी नान भी रखे हुए हैं। तो रायता सलाद आज भाई साहब, ये नान जिस तरह बनते हैं ना, अगर आप लोग बनते हुए देख लें तो दोबारा नहीं खाएंगे, खाने का रू नहीं करेगा। रू नहीं मतलब जी नहीं करेगा, जी नहीं करेगा। तो भाई साहब सराकी में घुस गया, स्टार्ट करें दोबारा भाई। तो बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट, नहीं तो मक्खियां खा जाएंगी। मक्खियां खा जाएंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो हम इतने बगैर आते हैं फिर भी नान खा रहे हैं। तो मैं थोड़ी बोतल को साइड पे कर देता हूँ, मेरे आगे आ रही है। मैं चिकन हांडी पे अभी जा रहा हूँ। तो मैंने चिकन वाइट हांडी हरी मिर्च, ये चिकन वाइट ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये ना बिल्कुल सेम है, बस वो थोड़ी मिर्च की वो थोड़ी सब्ज है और ये वाइट वाइट है कढ़ाई। इसमें ना सब्ज मिर्च बहुत ज़्यादा है, हरी मिर्च वाली है ना। हाँ, खाने में बहुत ही मतलब उसका जायका है। और ये रोगनी नान के ऊपर तिल ना बिल्कुल मुक्त सा से है। हाँ, तिल लगाने की भी कंजूसी। और ये 25 रुपए का नान है। ये देखा 25 रुपए का नान, माशाल्लाह हमारा मुल्क जो है ना तरक्की कर रहा है, महंगाई अरूज पे जा रही है, तो ये अच्छी बात है यार। एक ना एक्स्ट्रा जंबो बाइट लेते हैं। तो भाई अभी मैं भी जम्बू बाइट लेने वाला हूँ। हर वीडियो में लोग बोलते हैं कि जुबैर भाई आपने जम्बू बाइट नहीं लिया आज, तो ये देखें। यार मक्खियों ने बिल्कुल भी तंग करके रख दिया है ये जम्बू वाइट। ड्रिंक की बात करें तो आज हमारे पास है 7 अप। तो अभी मैं ना भाई साहब एक चिकन हांडी जम्बू भाई हरी मिर्च ट्राई कर रहा हूँ। बस सेम टेस्ट है इनका, थोड़ा सा ना हरी मिर्च की इसमें ज्यादा है। बिल्कुल ही सेम टेस्ट। तो भाई साहब थोड़े मक्खियों के बारे भी कम हो गए हैं पहले से मेरे ख्याल से।
मैं इनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा यार, दिमाग खराब कर रहे हैं। यार स्प्रे भी खरीदी हुई और खुले में स्प्रे काम नहीं करते, हम क्या कर सकते हैं। चिकन वाइट कढ़ाई जो है ना ट्राई करने वाला है। हाँ जी, मैंने कढ़ाई बोल दिया लेकिन बात तो एक ही है। नहीं, अलग बात होती है, बहुत ज़्यादा अलग बात होती है। अच्छा, मान लो इसमें हड्डी नहीं होती और ये मसाला भी नहीं होता, वाइट वाइट होती है। वो जो कढ़ाई होती है उसमें हड्डियाँ वगैरह सारा कुछ मिक्स होता है। यार ये मुझे मज़ा दे रही चिकन वाइट वाली। भाई साहब मक्खियों ने जीत कर रख दिया आज। ऊपर से कलमी। तो जुबैर भाई मैं ना इसको ट्राई करने वाला हूँ। हाँ, मेरा लास्ट वेट है इसका सैलेड। तो भाई साहब आगे अगर ख़त्म हो गया। हाँ कोई बात। तो भाई अगेन एक लुकमा ये चिकन। तो भाई साहब सल्ला हर चीज को साइड पे करें, उलाव को आगे करें। तो भाई नान अभी कर रहे हैं यहाँ पर। ये आ जाओ इधर भाई। रायता। तो भाई तो आज ना बीफ पुलाव की बात करें ना, तो ये हमने स्टूडेंट बिरयानी वालों से लिया है। तो आज ये पुलाव की अलग ही बात होती है जुबैर भाई। पहले भी हम बिरयानी अच्छी है लेकिन पुलाव उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। हाँ ये बात मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो बिस्मिल्लाह ऐसे करते हैं। बीफ पुलाव है भाई। इनके बीफ पुलाव की ना और बात है, बस मानने में आए तो काफ़ी कमाल के बना होता है। बाकी जो मेन्यू था अल अजीज से हमने किया है। हाँ अल अजीज वालों से। तो यार डेरा गाजी खान की मशहूर होटल बोल सकते हैं, मतलब हाँ बारबेक्यू का भी सामान सारा कुछ होता है उनके पास। ये यार बीफ बिल्कुल गला हुआ है।
भाई बीफ पुलाव मजा दे रहा है। हम सोच रहे थे कि आप लोगों को ना आज सूरज वाली साइड का बैकग्राउंड दिखाते हैं, तो जब उस तरफ हमने कैमरा किया ना तो हमारी जो शक्लें हैं बिल्कुल ही काली आ रही थी, अभी भी हो गई हैं, तो क्योंकि लेट हो चुकी है। आज शहर देर से आए हैं तो लेट हो गया। आज जो शहर में जितना हम तंग हुए ना कसम से, ये जुबैर भाई मैं ऐसे बोलूँगा कि हमारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी दिन था शायद मेरे ख्याल से, जो तंग हुए हैं जितना हम, तो क्योंकि हम थोड़ा सा हमने और भी काम करना था ज़रूरी, तो वो भी करने गए थे, तो इसलिए हमें अफजल भाई आखिरी नहीं बोल सकते। अच्छा आगे आ सकते हैं हाँ। तो अफजल भाई ये टिश्यू पेपर लगा हुआ है आपके माथे के ऊपर, तो अफजल भाई मेरी बात है, तो अच्छा यार बहुत सारे भाई बोलते हैं कि यार आप खाना ख़त्म नहीं क्यों नहीं करते, यार गर्मियाँ गर्मियों की वजह से नहीं खाया जाता इतना ज़्यादा, तो अगर भाई यार हम ना आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन यार YouTube पे जो प्यार इतना नहीं मिल रहा यार, आपने सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा यार, जो है ना जख्म फिर से जगा दिया यार, हम लोग आप लोग के लिए इतना तंग होते आज बहुत ज्यादा तंग है, खर्च करते हैं ना पैसे बहुत यार जा रहे हैं। इस वीडियो में हमारा 4000 रुपए का खर्चा हो गया है, अगर मानने में आए तो ये 650 इतनी महंगी महंगी चीज, और ये पुलाव की बात करें तो 650-700 रुपए का ये था, तो ऐसे बात करते जाना तकरीबन 4000 के करीब हमारा आज काम हो गया, 1000 रुपए की हाँ हमारी ये गलती, हमने 1000 रुपए की ये प्लेटें ली हैं यार, टोटल 4000 रुपए का, हमें लगता है कि खाना अच्छा नहीं दिख रहा था उसमें, तो आज प्लेटें ले आए हैं तो काफी लेट हो रहा है और वीडियो भी लंबी हो रही है, तो इसलिए हाँ वीडियो लंबी हो रही है और लेट हो रही है, तो वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।